नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिले में बॉर्डर पर मध्य प्रदेश राज्य से आने वाले लोगों व बसों के यात्रियों की जांच नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही से लॉकडाउन जैसे हालात फिर से बनते नजर आ रहे हैं। नए स्ट्रेन को लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए अन्य राज्यों के बॉर्डर पर स्क्रीनिंग जांच करने का निर्देश दिया है, लेकिन न तो अन्य राज्यों से आने वाले लोगों व यात्री बसों की जांच हो रही है और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से कोरिया जिले के बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी न ही प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं। मात्र आने वाले वाहनों पर दो गार्ड लगाए गए हैं जो कि वाहनों की डिक्की गाड़ी नंबर नोट कर रहे हैं। आबकारी विभाग अधिकारी के द्वारा अवैध शराब परिवहन जांच कर रहे हैं। जिले में रोज सैकड़ों लोग अन्य राज्यों से सफर कर पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी ट्रैवल हिस्ट्री प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। बता दें कि विभिन्न माध्यमों से अन्य राज्यों से जिले में आने वाले यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग व कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन पर कलेक्टर ने एसपी, सीएमएचओ व सभी ब्लॉक के एसडीएम को पत्र जारी कर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले में सीएमएचओ रामेश्वर शर्मा ने अपनी दलील देते हुए कहा कि जो अन्य राज्य से आ रहे हैं उनके लिए चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का बॉर्डर है यहाँ पे, आपकी ड्यूटी यहाँ पे किस लिए लगाया गया? शासन की तरफ से क्या जांच के लिए क्या जांच के लिए लगाया गया? मादक पदार्थ परिवहन कार्यकर्ता बैठते हैं जी। मैं बॉर्डर किसकी लापरवाही मान रहे हैं? देखिए, इसकी लापरवाही की बात नहीं होती। बेसिकली हमें ये मानना चाहिए कि जो बॉर्डर पे जो आते हैं उनको चेक पोस्ट पे हमारी टीम बैठती है, मेडिकल की टीम, जिसमें हमारे एएनएम होते हैं और दूसरे लोग होते हैं, एमपीडब्ल्यू होते हैं, और उनको जो लक्षणात्मक रूप से उनको पता करना होता है कि आपको लक्षण है तो टेस्ट करेंगे। बेसिकली लोग छुपाते हैं, उनको लगता है कि बता दिया लक्षण तो बॉर्डर में घुसने नहीं देते, तो इसके परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं आए हैं हमारे। वो लोग लक्षण भी तो भी नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है कोई बॉर्डर बैठा दिया जाएगा और एंट्री नहीं मिलेगी, तो ये भी गलत संदेश जाए बजाय हम इसलिए अब हम लोग उनसे जाँच करने के बजाय उनके फोन नंबर नोट कर रहे हैं और उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग घर पर ही करते हैं कि किस एरिया में हमारे गए हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग बताते नहीं हैं तो हमारा वो वहाँ पर टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस हम कहाँ से आ रहे हैं पता करते हुए हम उनका फ़ोन नंबर नोट कर रहे हैं और उस क्षेत्र के जो हमारे जो कार्यकर्ता उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, वो उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।